गैंगस्टर रंजीत सफेलकर के कामठी नागपुर महामार्ग स्थित खैरी समीप राजमहल नामक अवैध सभागृह भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आज बुधवार को ढहा दिया गया। इसके लिए पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। बुधवार को सुबह करीब 8 बजे के दौरान नागपुर सुधार प्रन्यास का अतिक्रमण उन्मूलन दस्ता पुलिस बंदोबस्त के साथ राजमहल करीब पहुंचा। अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते को देखते ही वहां हड़कंप मच गया। कार्रवाई शुरू होने के पहले रंजीत सफेलकर के अन्य दो पार्टनर सुनील अग्रवाल तथा रामजी शर्मा के सहयोगियों ने आनंद फानंद में राजमहल के भीतर रखा सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। नागपुर सुधार प्रन्यास की अतिक्रमण उन्मूलन के प्रमुख मनोहर पाटिल के मार्गदर्शन में सुबह 8:30 बजे के दौरान कार्रवाई शुरू की गई। इसके लिए नई कामठी पुलिस स्टेशन तथा जूना कामठी पुलिस स्टेशन से पुलिस बंदोबस्त मंगाया गया था। शुरुआत में एक ही बुलडोजर से अतिक्रमण ध्वस्त करवाना शुरू किया गया था। उसके कुछ घंटे बाद नागपुर सुधार प्रन्यास से एक और बुलडोजर बुलाया गया। 3 साल तक निर्माण कार्य करने के पश्चात आलिशान खड़ा हुआ यह राजमहल आज देखते ही देखते पूरी तरह ढह गया। 2.5 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ यह रंजीत सफेलकर के सपनों का राजमहल उसके सपनों के साथ ही ढह गया। सफेलकर ने कामठी नागपुर मार्ग स्थित खैरी के समीप यह राजमहल नियमों को ताक पर रख कर बनाया है, जिसके चलते आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रंजीत सफेलकर नाम का एक बदमाश है, उसके ऊपर अनेक गुने दाखिल है। घोटाले के तहत कार्रवाई की है। बेकायदे प्रॉपर्टी जहाँ भी है उसकी माहिती ली गई। ये एक राजमहल है, यहाँ पर अंदाजन मार्केट प्राइस इसकी 9 करोड़ के आसपास बताते हैं। तो इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पर कोई उसका परमिट नहीं है, सैंक्शन नहीं है, और बीच में एक नहर जाता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, उसको उसने जाकर ये पूरा लॉन बनाया गया है। तो उसके ऊपर अभी NMRD और इरिगेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से नागपुर शहर पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। इसकी और भी सारी इलीगल प्रॉपर्टी है, बहुत सारी माहिती मिली है, उसके ऊपर भी नागपुर शहर पुलिस के द्वारा कार्रवाई हो रही है। ग्रामीण भाग हद में रामटेक के यहाँ एक MTDC का एक बहुत बड़ा एक रिसोर्ट था, 10-12 करोड़ रुपए उसमें लगाए थे गवर्नमेंट ने, उसमें उस पर उसने कब्जा किया था, जिसको टेंडर दिया था उससे वो छीन कर वो खुद वो चला रहा था, उसके ऊपर भी कार्रवाई की है। उसको वहाँ से पूरा निकाला गया है और वो टेंडर कैंसिल कर होने जा रहा है। नगर पालिका हद में उसकी 8 प्रॉपर्टी इलीगल प्रॉपर्टी सामने आई है डॉक्यूमेंट्स पर के ऊपर, तो उनके ऊपर भी नगर पालिका के चीफ है और तहसीलदार है, उनके सहयोग से वो भी कार्रवाई की जाएगी। BCN न्यूज के लिए कामठी से बंडू नारनवरे की रिपोर्ट।